अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पेपर के लिए कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद करने हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स में से लिए हैं। कुछ मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में गाइड करूंगी कि इंग्लिश एक ही क्वेश्चन को रेडी कैसे करना है। देखें जी, सबसे पहले हम इसका टाइटल देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर BSc। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर BSc में मैंने सबसे पहले जो हेडिंग लगाई हुई है समरी। आपने इन क्वेश्चन की समरी रेडी करनी है। रेडी कैसे करनी है, याद करनी है। दी डैम ह्यूमन रेस नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दी डैम इन स्टोरीज़ को अगर आप सिंपल एक समरी इसकी अच्छे वाली याद कर लें तो ये आपके पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए समरी सफिशेंट होगी। दी डैम ह्यूमन रेस, ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स, How to live to be 200, the open window, on a common cold, emotional meanings, where do those bright ideas come from, how the poor die, August 2026, there will come soft drinks, TV addiction. Students, आपने इन stories की summary ready करनी है। summary इनको याद करना है और जो क्वेश्चंस अभी इसमें हमने ऐड नहीं किए उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये नोट्स हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में प्रोवाइड किए हुए हैं। दरअसल ऑलरेडी जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे, ये सिलेबस आउटलाइन फॉर BSc इंग्लिश इन द लाइट ऑफ पास्ट पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर्स, ये नेशनल साइंस कॉलेज जी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसको मैंने समरी की तरह से नहीं लिया हुआ, टेक्स्चुअल क्वेश्चन हैं। ये देखिए, पार्ट ए में टेक्स्चुअल कुछ क्वेश्चन थे। दी डैम ह्यूमन रेस के 3 क्वेश्चन थे जो के निकाले हुए थे हमने। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को, मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करने वाली हूँ स्टूडेंट्स की, आपने दी डैम, लेट्स सपोज आपने दी डैम ह्यूमन रेस की एक समरी पढ़ी हुई है, तो अब जरा सवाल को पहले सीखें, समझें। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। मार्क ट्वेन हैज़ मेड अ ट्रू एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर इन द एसे, डू यू अग्री। अब इसमें क्या वर्ड है, ट्रू एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, डू यू अग्री। अब आपने इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन समरी याद की हुई है। अब आपने याद की हुई है समरी, अब इसको इस क्वेश्चन में कैसे मैनेज करेंगे हम, ये देखिए। डू यू अग्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ में आपने बताना होता है क्या आप एग्री करते हैं या आप एग्री नहीं करते हैं। क्वेश्चन का स्टार्ट भी वहीं से होगा, एंड में सिर्फ ये क्वेश्चन चेंज होगा। अब ये देखिए, व्हाई हैज़ मार्क ट्वेन कॉल्ड मैन एज द लोएस्ट ऑफ ऑल। अब इसमें क्या है, ये सारी की सारी समरी है। राइट अ नोट ऑन द आयरनी एंड सैटायर इन द डैम्ड ह्यूमन रेस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट। ये क्वेश्चन माइनर में आ सकता है, ये क्वेश्चन मेजर क्वेश्चंस के लिए पेपर में नहीं आ सकता। लिहाजा आपको एक ही क्वेश्चन अगर पेपर में अटेम्प्ट करना है और आपके पास अब लेस देन 1 मंथ है तो आप दी डैम ह्यूमन रेस की समरी रेडी कर लीजिए। लेकिन दी लास्ट लेसन चूँकि एक शॉर्ट स्टोरी है और इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा इसकी मैंने देखें आपको समरी भी नहीं करवाई, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सिर्फ एक ही होगा, द लास्ट लेसन द स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड, यही क्वेश्चन इस स्टोरी का है। मैं बस अब इसमें ये एक क्वेश्चन कर लें, द लास्ट लेसन एज अ स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड, ये मेन क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है और इसका माइनर क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है आयरनी, द नेग्लिजेंस ऑफ द फ्रेंच पीपल टुवर्ड्स देयर मदर लैंग्वेज। अब आप लोग अगर फर्स्ट टाइम पे BSc को आपने दरमियान में कुछ लेक्चर्स मिस किए हुए हैं, क्लासेस अटेंड नहीं की हुई, अब आपको लगता है कि अब हम इसको पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगी, तो आप इसके एक दफ़ा लेक्चर्स लें। जो फर्स्ट 10 स्टोरीज इन अ रो हैं वो तो आपने कोई भी नहीं छोड़नी। अब इसमें से मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूँ, ये पहली वाली स्टोरी बेटा, आप प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स देखते हैं तो फर्स्ट लेसन आपका ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने नहीं छोड़ना, इसकी समरी याद करनी और अच्छी वाली रेडी करनी है। उसके बाद आपका ब्रोमाइड एंड सल्फाइड, सो तो वाइव है, हाउ टू लिव टू बी 200 में भी, क्रिटिकली इवेल्यूएट द राइटर्स, ये देखिए, ऑथर्स व्यूज टू लिव फॉर 200 ईयर्स, राइटर 200 साल तक कैसे रहेगा, ये उसके व्यूज़ को इवेल्यूएट किया हुआ है। यानी कि आपने देखिए, मैंने जो आपको पहले समरी, सबसे पहले मरले में इंग्लिश ए की तैयारी में याद करें समरीज को,
समरीज को स्टडी करें। इस वक्त मेरे पास एक बुक है जिसमें समरीज हैं, ये देखिए, डिटेल्ड समरी इन इंग्लिश। इन दर लेसन द डैम्ड ह्यूमनरीज मार्क ट्वेन हैज स्टडीड द ट्रेट्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ एनिमल इन लंडन जूलॉजिकल गार्डन। ये जितना भी इसमें है, मैन इज़ क्रूअल बाय नेचर, मैन इज़ ग्रीडी, मैन इज़ रिवेंजफुल, मैन इज़ अ सेक्सुअल बीस्ट, मैन इज़ वर्स देन एनिमल, सेल्फ सेंटर्ड पैट्रियटिज्म, मैन इज़ स्लेव, मैंस पोलिटिकल एंड रिलीजियस क्रूअल्टीज। आपने स्टूडेंट्स यहाँ तक एनालिसिस। एक्चुअली द ऐसे मार्क ट्वेन हैज़ डिस्कस्ड ओनली वन साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। ये देखिए उन्होंने कहा ना, डू यू अग्री, ही हैज़ क्रिटिसाइज्ड मैन फ्रॉम हिज ईवल नेचर, मैन इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज। ये क्वेश्चन नंबर वन, सिर्फ एक क्वेश्चन, आपका जिन स्टोरीज को याद करके वो पूरी स्टोरीज कवर हो जाती हैं वो नोट कर लीजिए। दोबारा से ये सारे स्क्रीनशॉट ले लें बेशक आप। दी डैम ह्यूमन रेस प्रोवाइड्स हाउ टू लिव टू बी 200, द ओपन विंडो ऑन द कॉमन कोल, इमोशनल, इनकी समरियाँ याद कर लें बस। ये 10 क्वेश्चन हैं जो दरमियान में रह गए उनके मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखिए, दी लास्ट लेसन में आपने लास्ट लेसन स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड करना है। अब उसके बाद हमारा जो ओपन विंडो भी हमने कर लिया, प्लेस ऑफ साइंस आपका पेपर के हिसाब से स्टूडेंट्स बहुत ही अहम चैप्टर है, इसको आप पढ़ लें। ये 4 क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। व्हाट टू मैरिट बिलोंग्स टू साइंस एज अगेंस्ट क्लासिकल एजुकेशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन, व्हाट डिफेक्ट्स आर इनहेरेंट इन अ प्योरली क्लासिकल एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय रसल। ये आपने ये 4 क्वेश्चंस द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन पढ़ने हैं। उसके बाद देखें कॉमन कोल्ड, इसकी समरी आपने करनी है। सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, ये पेपर में 3-4 दफ़ा आया है और जो क्वेश्चंस थे मैंने ऐसे ही लिख लिए हैं। व्हाट रोल्स आर प्लेड बाय वॉल्टर मिटी, व्हाट इज द एक्चुअल सीक्रेट ऑफ वॉल्टर मिटी, व्हाट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ वॉल्टर मिटी, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। इसमें भी अगर आप एक डिटेल्ड समरी कर लें और साथ थोड़ी सी क्रिटिकल इसकी कमेंट्री कर लें तो आपका ये पेपर हो जाता है। इमोशनल मीनिंग में समरी जाएगी, इसमें समरी जाएगी, राइट एंड रॉन्ग की समरी आपने करनी है, एंड ऑफ द रोड का भी तकरीबन समरी आती है इसमें, लेकिन इस समरी को स्प्लिट किया हुआ, सारी समरी इसमें नहीं आती। 2 क्वेश्चंस में पहली सवाल है डिटेल्ड नोट ऑन द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ मोहम्मद असद इन द हज जर्नी, हाउ डज द राइटर डिपिक्ट होली काबा। ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। हाउ द पुअर डाई की भी 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द ऑथर डिपिक्ट द पब्लिक वार्ड ऑफ हॉस्पिटल एक्स एंड हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टेइंग देयर, ड्रॉ अ कंपैरिजन ऑफ हॉस्पिटल एक्स एंड हॉस्पिटल्स ऑफ लंदन, लॉस्ट चाइल्डहुड, ग्रे बिगनिंग। ये एक एक दफ़ा इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आए हुए मैंने लिखने हुए हैं। व्हाट कनेक्शन डज ग्रीन इस्टेब्लिश बिटवीन चाइल्डहुड एंड बुक्स। आप अपने बुक्स को खोलिए और टिक एंड मार्क कर लीजिए इन क्वेश्चंस को जो कि पेपर में आए हुए हैं। ये वेयर डू दोज ब्राइट आइडियाज़ कम फ्रॉम का भी बेटा काफ़ी दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन सम ऑफ द वेज इन विच ब्राइट आइडियाज़ कम टू द क्रिएटिव थिंकर्स, व्हाट माइट बी इट्स सोर्स, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द क्रिएटिव एक्टिविटी, व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, हाउ डू क्रिएटिव थिंकर्स यूज ब्राइट आइडियाज इन देयर वर्क। और एक इमोशनल मीनिंग में क्वेश्चन है, देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमोशनल एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग, वट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स इन इमोशनल मीनिंग्स। ये सारे आपको मैंने इसलिए लिखवा दिए हैं कि आपको तैयारी करने में आसानी हो। अब ये देखिए, दी लॉस्ट चाइल्डहुड मैंने अपनी क्लास को छुड़वाया है, द ग्रे बिगनिंग्स छुड़वाया है। अगस्त 2026 की मैंने एक डिटेल्ड समरी क्लास को याद करवा दी थी, लेगेसी ऑफ द फ्यूचर। ये मसलन कि अगर आप बगैर लेक्चर्स अटेंड किए समरियाँ याद करते हैं तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपने उन समरीज में से इन्फॉर्मेशन को कैसे पिक एंड चूज़ करना है। इसलिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं कि आप समरी याद कर लें और फिर लेक्चर्स के पॉइंट के तहत अपनी इन्फॉर्मेशन को जोड़ लें। अब ये देखें, इन माई डे ये मैंने 3 चैप्टर्स बच्चों अपने स्टूडेंट्स को छुड़वाए हैं, बेकर्स को, आगे मैंने टीवी एडिक्शन भी करवाया है। हाउ डज द राइटर प्रूव व्यूइंग एसई, इसमें भी सिर्फ इसकी समरी जाती है। अब ये देखिए, इससे आपने जो स्टूडेंट्स मेरे से बार 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 एक सवाल पूछ रहे थे कि मैम हमें नहीं समझ में आ रही हम कौन से क्वेश्चंस करें, तो आप जरा सिंपली नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये तो एज इट इज समरीज वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टोरीज में। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने लगी हूँ। देखो, फोर्थ ईयर, ये मैं जो स्टोरी आपके लिए निकाली है जिसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने स्टडी को कैसे थोड़ा सा गाइड करती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए, द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन, इसमें
इसकी एक समरी है, डिटेल्ड समरी है, ये देखिए ज़रा। रसल फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, कंट्रोवर्शियलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर हिज वर्क ऑन मैथमेटिक लॉजिक विच इज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन सिम्बॉलिक लॉजिक एंड ऑन सेट थियोरी इन द मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पहली लाइन में थोड़ा सा राइटर को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, अपने राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ से, या अपनी जो आपकी हेल्पिंग बुक, आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें से थोड़ी सी 3-4 लाइन्स में अपने राइटर को इंट्रोड्यूस करवाएं। इज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, कॉन्ट्रोवर्शलिस्ट, रिफॉर्मर, इम्पॉर्टेंट फॉर हिज वर्क ऑन मैथमेटिकल लॉजिक, जस्ट ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द, बस इतना सा इसमें से 2 लाइन्स उठा लें राइटर के इंट्रोडक्शन के, ठीक है। उसके बाद आपने इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस ऑफ साइंस में क्या है, उसने कहा है रसेल्स इंटरेस्ट इन एजुकेशन, ये देखिए मैं यहाँ से उठाई है लाइन, एंड हिज लूसिड एक्सपोजिटरी स्टाइल आर वेल इलस्ट्रेटेड इन दिस एसे द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन। आपने भी देखा है कि इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है लिटरेचर में 1950 में, एंड रिटेन्ड हिज ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा जी, इतना सा आपने अपना इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इन्फॉर्मेशन को उठाना है। मैंने आपको सिखा क्या रही हूँ, इंग्लिश एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। हमें बेसिकली स्टूडेंट्स को कोई भी एक की बुक जब हम लगवाते हैं तो मैं बच्चों को ये ज़रूर गाइड करना चाहिए कि स्टूडेंट्स आपने इनपुट लेकर कैसे चलना। अभी देखिए डिटेल्ड समरी इस बुक में भी है। अकॉर्डिंग टू रसेल, साइंस हैज़ बीन टेकन एज ए वेरियस डेवलपमेंट। इसमें मैंने आपको समरी क्यों नहीं बताई, क्योंकि इसमें सारी समरी डिफरेंट क्वेश्चंस में नहीं आती है, और चूंकि क्वेश्चंस सेपरेटली आते हैं लिहाजा एक पॉइंट को लेकर आप पूरी अपना क्वेश्चन नहीं ले सकते। देखिए क्लासिकल एजुकेशन एंड साइंस, एक ये सवाल था द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड लिटरेरी एजुकेशन, ये देखिए ये पूरा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नहीं है, तो लिहाजा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने अच्छा सा हर स्टोरी का याद करना है, जिसमें कुछ राइटर के बारे में आपने याद किया हुआ, उसमें स्टोरी की जनरल समरी हो, थोड़ा सा थीम हो, जो कि आपने कोई भी स्टोरी आ जाएगी उसके स्टार्ट में लिखना है। उसके बाद आपकी जो समरी है, मिसाल के तौर पर आपने इसमें से भी, आपके पास अब टाइम शॉर्ट है, आप कहते हैं कि मैं अब क्या क्वेश्चंस याद करूं, मैं सारों की समरीज याद कर लेती हूं, जो 15 चैप्टर्स हैं मैं उनकी समरी याद कर लेती हूं, ठीक है, कर लिया आपने। अब उसको फिर क्या करना है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें से उठाना है। जैसे एज़ फार एज़ क्लासिकल लिटरेरी एजुकेशन इज़ कंसर्नड, इट एक्चुअली मेक्स अस क्रिटिकल एंड क्रिटिकल ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड इट लेज टू मच एम्फसाइज ऑन पास्ट। इसमें कि इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझिए, क्लासिकल और लिटरेरी एजुकेशन क्या करती है, हमें मेक्स अस क्रिटिकल, हमें ना क्रिटिकल बना देती है, देखिए, ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जी तो क्या मतलब है इसका, इसका कंटेंट समझ में आ गया कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। वाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास्ट पे स्ट्रेस देती है। अब ये एक मीनिंग को समझ लेना ज़रूरी है, मतलब ये पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या है कि ये हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्रिटिकल करती है और पास्ट पे बहुत फोकस करती है। अब ये आइडिया स्टूडेंट्स, ये वाला आइडिया क्रिटिकल, आप क्रिटिकल की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करके भी लिख सकती हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर से भी शुरू कर सकती हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बाद में लिख सकते हैं, पास्ट को पहले शुरू कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने इस आइडिया को किस तरीके से पेश करेंगे। कॉन्सेप्चुअल स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि क्लासिकल एजुकेशन में कितने डीमेरिट्स हैं और उसको साइंस ने कैसे कंट्रास्ट किया है। जैसे हमने देख लिया है क्लासिकल एजुकेशन क्रिटिकल ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्लासिकल एजुकेशन हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स। अब अगर हम इसको ये वाली चीज़ को पहले ले जाएं, क्लासिकल एजुकेशन इट्स बेनिफिट्स बट इट हैज़ इट्स डीमेरिट्स ऑल्सो, लाइक इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ, इट मेक्स अस क्रिटिकल ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड इट एम्फसाइज और इट स्ट्रेसेस पास्ट।
अब ये देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा सादा लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग, इसकी वो कैब भी बहुत सादी है और बहुत सादे तरीके से अपने अल्फाज को पेश किया गया है। लिहाजा जो स्टूडेंट्स सिर्फ इन बुक से बगैर किसी भी इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, इतना सा लिखाएंगे यही पैराग्राफ फॉर्म में, आप अपने जहन में रखिए कि आप एक्सेलेंट मार्क्स के लिए स्ट्राइव नहीं कर रहे, आप पास हो जाएंगे। अगर आपको एक्सेलेंट मार्क्स के लिए स्ट्राइव करना है देन यू नीड टू फोकस ऑन योर वोकैबलरी, जितना ज़्यादा टेक्स्ट के करीब आपका एक्सप्रेशन होगा उतना ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पर उसने कहा क्लासिकल एजुकेशन हैज़ इट्स ओन बेनिफिट, ये ना भी लिखें तो चल जाएगा, इट स्टडीज़ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन द लाइट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट। जी तो क्या करता है क्लासिकल एजुकेशन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को पास्ट की अचीवमेंट के रेफरेंस में पढ़ता है। इट इज़ रादर बिकम स्टेगनेंट विदाउट मेकिंग फर्दर स्ट्राइड्स, तो ये नॉलेज मज़ीद स्ट्राइड्स के बगैर स्टेगनेंट है, फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एक्टिविटी इन द प्रेजेंट एंड फॉर फ्यूचर इट इज़ स्ट्रग। हाँ जी, अब इसमें जो मेन पॉइंट्स आप अपने कॉपीज पर नोट कीजिए, पॉइंट नंबर वन, क्लासिकल एजुकेशन मेक्स अस क्रिटिकल ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट लीज टू मच एम्फसाइज इन पास्ट, द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर बेनिफिट्स फ्रॉम प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन द लाइट ऑफ द पास्ट अचीवमेंट्स, ड्यू टू दिस रीजन द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, कैन नॉट इम्प्रूव। हाँ जी, अब इसमें पॉइंट्स दो नोट कर लिए, क्या है स्टूडेंट्स प्रेजेंट और पास्ट में को कंपेयर करते रहते हैं और पास्ट में रहते हैं और प्रेजेंट में नहीं रहते, लिहाजा लिटरेरी अचीवमेंट्स को से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, समझ में आ गई। तो ये है क्या, ये आर्ट्स का डीमेरिट है। अब हमें हमारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम उनको याद करवा देते हैं, फिर हम उनको ये गाइड नहीं करते कि इस याद किए हुए मटेरियल में से इन्फॉर्मेशन को पिक एंड चूज कैसे करना है। तो नतीजा क्या निकलता है कि वो बगैर क्वेश्चंस को समझे ना उसका स्टार्ट मैनेज करते हैं ना उसका एंड मैनेज करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये, मैंने आपको एक पैराग्राफ इसीलिए पढ़ के दिखाया है कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में बेसिकली एक ही आइडिया पेश किया गया है और वो क्या है, उन्होंने क्लासिकल एजुकेशन का एक डिमेरिट निकाला है और वो क्या है कि वो पास्ट पे फोकस करता है और इस पास्ट पे फोकस करने की वजह से वो प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर सकता। अब इसमें जो वोकैबुलरी यूज़ की गई है वो टेक्स्ट से बिल्कुल भी करीब नहीं है, ये सादे तरीके से लिखा गया एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बहुत लंबा कर सकते हैं, इसमें अपने टेक्स्टुअल लाइंस को ऐड करके आप इस क्वेश्चन को, आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं जिन्होंने इंग्लिश एक ही क्वेश्चन को क्लोज टू टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और उसमें कुछ टेक्स्टुअल कोटेशंस ऐड की हुई होती हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने इन क्वेश्चंस को सिर्फ सादे तरीके से लिखा हुआ होता है वो स्टूडेंट्स मार्क्स पास हो जाते हैं, इतने अच्छे मार्क्स नहीं लेते। और जो स्टूडेंट्स इसमें ग्रामर के एरर्स करते हैं और साथ ही साथ इसमें कॉन्टेंट्स के एरर करते हैं, मसलन कि दो बातों को एक में ऐड कर दिया और उसमें से गप्पें लगा दी, अबलियाँ छोड़ दी, वो बच्चे कभी भी पास नहीं होते हैं। आपने इसमें स्पेलिंग चेक करने हैं, ये मैं आपको पहला तरीका सिखा रही हूँ, देखिए मैं आपको कंटेंट्स पे फोकस करना सिखा रही हूँ। सबसे पहला मरहला ही किसी चीज़ को बयान करने का, रिप्रोड्यूस करने का है ही ये कि आपको समझ आ जाए कि उसमें हमने लिखना क्या है, इस क्वेश्चन में है क्या। क्लासिकल एजुकेशन में चार चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए। फिर दूसरे मरहले पर हम इसमें ग्रामर पढ़ते हैं, ये जो ग्रामर की है पढ़ने का काम है। दूसरे मरहले पर गर्ल्स सबसे पहले मरहले पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए स्टूडेंट, दूसरे मरहले पर आप उसकी स्पेलिंग और वोकैब को चेक कीजिए कि ये वोकैबुलरी जो कि मुझे कॉन्सेप्ट तो अब हो गया कि लिटरेरी एजुकेशन साइंटिफिक एजुकेशन से इन्फीरियर है अकॉर्डिंग टू राइटर, क्योंकि लिटरेरी एजुकेशन पास्ट में रहती है और जबकि साइंस प्रेजेंट की बात करता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गया कि राइटर कह ये रहा है। अब आपने पहले मरहले पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, जब आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो फिर दूसरे मरहले पर आपको ये देखना है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए मैंने आपको जैसे बताया है कि पहला
पैराग्राफ आप राइटर का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी जनरल सी समरी लिखेंगे, जिसमें आप जनरल वे में लिखेंगे कि द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन रसल का एक बहुत ही एक्सेलेंट ऐसे है जो कि इसके फेमस लूसिड एंड एक्सपोजिटरी स्टाइल को बयान करता है। इसमें रसल साइंस और आर्ट्स को कंपेयर करते हुए ये नतीजा निकालता है, इन दिस ऐसे वाइल कंपेयरिंग साइंस एंड आर्ट्स द राइटर ड्रॉज अ कंक्लूजन दैट साइंस इज फार सुपीरियर टू लिटरेचर और आर्ट्स बिकॉज साइंस गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अब इसमें जो है अगर आप देखते हैं यही पॉइंट जो है ये देखें, यहाँ पे हमने क्लासिकल एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में जो बात की है, ये देखें कि ये पॉइंट यहाँ पर इस बुक में ऐसे लिखा हुआ है, जबकि जबकि देखें यही मैंने अपनी क्लास को नोट्स प्रोवाइड किए। मैंने देखिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए कि इसका स्टार्ट हमने कैसे मैनेज करना है। द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ रसल्स लूसिड एंड एक्सपोजिटरी स्टाइल। दिस एसे एम्स एट ब्रिंगिंग एट टू लाइट रसल्स फेवरेट थीम साइंस प्रोवाइड्स बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। देखिए जी इसके बाद हमने अपने पॉइंट तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट से शुरू नहीं कर दिया, ये मैंने बिल्कुल टेक्स्ट की लाइंस ली हैं। इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आपके नोट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। इट इज़ जनरली हेल्ड इनडिस्प्यूटेबल दैट साइंस दो रेंडर सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी बट कैन नॉट प्रोड्यूस हाइएस्ट मेंटल एक्सेलेंसेस। ये वर्ड्स टेक्स्ट के हैं, जनरली हेल्ड इनडिस्प्यूटेबल रेंडर्स highest mental excellences, even the warmest advocates of science confess this inferiority on their science on their side. Even hatta ke jo science ke bahut zyada advocates hote hain wo bhi confess karte hain ki ye inferiority unki side pe hai. They sincerely believe that to teach well informed impersonal outlook they one must rely on classical or literary education. But Russell disagrees with the supposed inferiority of the educational value of science. अब देख लिया students आपने इन दोनों की vocabulary में क्या difference है। Questions को start करने के लिए हमारे पास एक proper तमहीद होनी चाहिए, introduction होना चाहिए और उसके बाद फिर ये देखिए ये यहाँ पर हमने जो point पढ़ा था उसको the first and foremost demerit of a purely classical education is ye text ki line hai too much emphasis is laid on past so the student of literature always lives in past he loves bygone days and adopts a habit of criticism towards past present and future thus he is unable to recognize and appreciate the merit of contemporary happenings the habit of being unable to recognize the merit until it is dead is the result of a purely bookish knowledge the writer opines. to ye dekhiye ab isi point ko ke writer kehta hai ki bahut zyada past pe focus kiya jata hai present pe focus nahi kiya jata do mukhtalif tareekon se bayan karte hain jo bilkul saade tareeke se bayan karega student wo bhi marks lege provided that ke usme usne ग्रामर और स्पेलिंग की एरर्स ना की हुई हो। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो लाजमी बात है कि आपका एक्सप्रेशन ज़्यादा मैच्योर होगा। इंग्लिश ए में हम आपका एक्सप्रेशन प्लस वोकैब भी चेक करते हैं और ये चीज़ें दरअसल आपको जितना क्लोज टू टेक्स्ट एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे। द सेकेंड इफेक्ट ऑफ क्लासिकल एजुकेशन इज डज नॉट प्रोवाइड सोल्यूशन अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। अब ये देखिए यहाँ पर इसका सेकंड इफेक्ट क्या है, ओफन क्लेम्स, ये सेकंड इफेक्ट देखिए, लिटरेरी एजुकेशन ओफन क्लेम्स टू बी सुपीरियर टू साइंटिफिक एजुकेशन मोर ओवर द साइंटिस्ट्स टू एडमिट अ सर्टेन इन्फीरियरिटी ऑन देयर साइड। हाउ एवर इट इज़ कंटेंटेड दैट सो कॉल्ड इन्फीरियरिटी ऑफ साइंस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ साइंस इटसेल्फ इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द स्पिरिट इन विच द साइंस इज बीइंग टॉट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको रट्टा मारें, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको समझ के पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन चूंकि टाइम की शॉर्टेज है मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी अब कि आप सिंपल इनकी समरीज को याद कर लें। याद करना पहला मरला है, याद रखिएगा। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग आंसर्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैनेज करना है। जो समरी है उसमें से इन्फॉर्मेशन को पिक एंड चूज़ कीजिए, अपने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर शुरू करें। एक जनरल समरी लिखने के बाद जो भी आप उसमें लिखने हैं आंसर्स को देखिए पैराग्राफ फॉर्म में मैनेज कीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें इसमें अब क्लासिकल एजुकेशन के सिर्फ एक डिमेरिट लिखने के बाद वो साइंस पे चले गए हैं, हालांकि दो तो लास्ट में होने चाहिए। लिहाजा
inherent defect in classical education, it places all emphasis on stress on past. अब ये देखिए ये दोनों बातें सेम हो गई हैं, यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है, लिहाजा जो रेपिटेशन है वो ना कीजिए, नई नई बातों को उसमें से ढूंढने की कोशिश करें, तो आपको पता चल जाएगा कि साइंस, अब इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं। देखिए इसमें ये देखिए साइंस को उसने कहा हुआ है कि डज लेस टू मच एम्फेसिस ऑन पास्ट, लेकिन इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ, इसको डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है। ये देखिए डिफेक्ट क्लासिकल एजुकेशन इट्स प्लेस एम्फेसिस स्ट्रेस ऑन पास्ट, इट डज नॉट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम पास्ट, रेदर इट लिंक्स एंड स्टडीज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन द लाइट ऑफ पास्ट, इट हैज़ रिजल्टेड सेग्रीगेशन ऑफ क्लासिकल एजुकेशन फ्राम साइंटिफिक एजुकेशन बाई चैम्पियंस। अच्छा बच्चे, आपको जो मैं बात समझानी है वो ये है स्टूडेंट्स कि आपने कॉन्टेंट स्पेस फेस फोकस करते हुए स्टडी करनी है, किसी भी बुक पर आंखें बंद करके रिलाई ना कीजिए, आपके पास एक फेथफुल रिकॉर्ड होना चाहिए क्वेश्चंस को डील करने का। आपके क्वेश्चंस जितने ज़्यादा कंटेंट्स कैरी करेंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस में मार्क्स होंगे। एक ही पॉइंट को दो मुख्तलिफ जगहों पे बार बार बयान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट अगर आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और कोई नई बात अगले पॉइंट में उससे रिलेटेड नहीं आ रही है तो उसको आप स्किप भी कर सकती हैं। फिर उसके बाद आपने ये अपने क्रिटिकल सेंस को लेकर चलना है कि क्लासिकल एजुकेशन के अगर दो डिफ़ॉल्ट डीमेरिट्स थे तो यहाँ पे दो नहीं लिखे हुए, तो मुझे फिर थोड़ा सा आगे से स्टडी कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें अगले क्वेश्चंस में क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, याद रखिएगा कि जब आप स्टडी कर रही हैं पेपर के हिसाब से, तो जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको स्टडी ज़रूर करें। ऑन एजुकेशन, रसल्स व्यू ऑन क्लासिकल एजुकेशन। अब क्लासिकल एजुकेशन हम पीछे जो पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे भी हम क्लासिकल एजुकेशन का वर्ड देखा, चलो पढ़ लेते हैं इसमें क्या नई बात आई है। अब ये देखिए बेटा, अगर इतनी लेंथ का क्वेश्चन आप पेपर में जाके करके आती हो तो वल्ला आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अपने क्वेश्चन की लेंथ को मैनेज करना है, लिहाजा अब ये देखिए इतना मुन्ना सा सवाल है, तो इस मुन्ने से सवाल को फिर आपने थोड़ा सा बढ़ाना है, इसका आपने थोड़ा सा ऊपर इंट्रोडक्शन लगाना है, इसका एंड करना है, इसमें आपने इसकी अगर डिफेक्ट्स हैं तो डिफेक्ट्स के वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, इसको आप प्रॉपर वर्ड्स पॉइंट्स के साथ लिखिए। ये देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से डील किया गया है, और जो मैंने आपको बताया है उसमें मैंने स्टूडेंट्स को कैसे इसको डील करवाया हुआ, मैंने इनको ये देखिए ये जो प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन का जो चैप्टर है यहाँ पर मेरे पास, ये देखिए कि इस क्वेश्चन की लेंथ और ये पेपर के हिसाब से, अगर आप 10 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर रही हैं या 15 नंबर का, तो आपको इस लेंथ का कम से कम क्वेश्चंस चाहिए। अब ये देखिए कि आपने ये देखा है कि हमने इसको कैसे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमेरिट ऑफ इट्स टू मच एम्फेसिस, द सेकंड इफेक्ट ऑफ क्लासिकल एजुकेशन डज नॉट प्रोवाइड सोल्यूशन अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स, और उसके बाद ये प्रॉपर एक पूरी तरीके से पैराग्राफ को हमने लेंथ पे लेकर गए हैं। द थिंग्स विच इज़ न्यू, देयर इज समथिंग क्रूड इंसोलेंट एंड इवन लिटिल वर्गर, इसमें वोकैबुलरी भी एग्जैक्टली टेक्स्ट वाली है। इसमें क्रिटिकल कमेंट्री सिर्फ वहाँ पे करें जहाँ पे ज़रूरत है, वरना आप सिर्फ समरी लिख दीजिए। और एंड पे ड्यू टू दीज रीजंस द राइटर डज नॉट सपोर्ट द क्लासिकल एजुकेशन, ही सेज दैट साइंस शुड बी रिप्लेस्ड बाय द लिटरेट एजुकेशन बिकॉज इट गिव्स होप अबाउट फ्यूचर, देयरफॉर साइंटिफिक एजुकेशन इज सुपीरियर टू लिटरेट एजुकेशन। एंड क्वेश्चन पे करना है, यहाँ पर एंड कोई नहीं क्वेश्चंस पे किया गया, ना ही कोई कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स ऐड किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चंस को इम्प्रूव करके पढ़ें, ये एक टेक्निक है जो कि आपको सीखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं दो चार और आपको इस तरह से समझा दूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।